हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। एक बार मैं फोर्थ मैरिट जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, ठीक है जी। कल जो बात करी थी बेटा जाते टाइम, वही एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बाबू किसी फॉर्म में, बेटा बोलो मत बिल्कुल भी, बेटा किसी फॉर्म में तीन शेयर होल्डर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। बेटा लक्ष्मी चुप हो जा। मिस्टर ए के पास 30,000 शेयर हैं, मिस्टर बी के पास 30,000 शेयर हैं और मिस्टर सी के पास 40,000 शेयर हैं आउट ऑफ टोटल 1,00,000। यानी कि बेटा ए इज हैविंग अ कंट्रोल ऑफ 30%, बी इज हैविंग अ कंट्रोल ऑफ 30% एंड सी इज हैविंग अ कंट्रोल ऑफ 40%, ठीक है जी। मैंने कल बात करी थी अगर ए और बी दोस्त है ना बेटा, तो इनके हाथ में मिलाकर 60% कंट्रोल है। और बेटा डेमोक्रेसी का रूल है, अगर आपके फेवर में मेजॉरिटी प्रिवेल करती है ना बेटा, तो बाबू आपको किसी की जरूरत नहीं है। और इन दोनों के पास मेजॉरिटी है बेटा, 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं बेटा, इनको कोई जरूरत नहीं है सी को बुलाने की भी। आप मीटिंग में बुला लो, सी बेटा एक कठपुतली है, कुछ नहीं कर सकता। 60% वोट आपके फेवर में बेटा, जैसे चाहोगे वैसे कंपनी को चला लोगे, गलत डिसीजन भी लोगे ना बेटा तब भी सी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ आई बात? मैंने बोला था इसके बाद अगर कंपनी को 10,00,000 की जरूरत पड़ जाए और कंपनी डिबेंचर इशू कर दे 10,00,000 के, क्या इस टेबल पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या ए और बी का कंट्रोल कहीं जा रहा है? मैं कहता हूं डिबेंचर किसी ने भी खरीद लिए, ए ने खरीद लिए, चाहे बी ने खरीद लिए, चाहे सी ने खरीद लिए, पूरे 10,00,000 के, कुछ फर्क पड़ेगा इस टेबल पे? नहीं। क्यों बेटा? डिबेंचर के पास कंट्रोल थोड़ी होता है बेटा, डिबेंचर शेयर डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट थोड़ी होता है बेटा। वोटिंग राइट और कंट्रोल सिर्फ इक्विटी की टेल है, जहां जहां इक्विटी वहां वहां कंट्रोल, वहां वहां वोटिंग राइट। नहीं पड़ेगा ना इस टेबल पे फर्क बेटा, तो क्या डिबेंचर बाबू कंट्रोल डाइल्यूट करते हैं? नहीं बेटा, डिबेंचर इशू करने से किसी का कंट्रोल छिनता नहीं है, सबका कंट्रोल इंटैक्ट रहता है। लेकिन बेटा मैंने एग्जाम्पल में ट्विस्ट किया था, मैंने कहा बेटा अगर आपके पास डिबेंचर इशू आपने नहीं करे, आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए नए 1,00,000 शेयर एट द रेट 10 ईच और सारे के सारे सी ने खरीद लिए, तो बेटा होगा क्या? बेटा टोटल शेयर 2,00,000 में से ए और बी के पास अभी भी 60,000 रह गए और बेटा सी के पास 1,40,000 हो गए। ए का कंट्रोल, बी का कंट्रोल सिर्फ 30%, जबकि सी का कंट्रोल 70%। हुआ क्या बेटा? बाबू इक्विटी शेयर कंट्रोल डाइल्यूट कर देता है। इक्विटी शेयर के पास फीचर है बेटा कंट्रोल का। अगर बेटा आपने इक्विटी शेयर इशू करे और ए और बी के पास फाइनेंसेस नहीं हुए, तो बेटा कंट्रोल गया आपका, कोई ना कोई कंट्रोल छीन के ले जाएगा आपका। कंट्रोल था इनके पास और पहुंच गया इस पाले में बेटा, तो इक्विटी क्या करता है? कंट्रोल डाइल्यूट करने का काम करता है, जबकि डिबेंचर्स कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करते। समझ आई है मंच पर? आपने एक लाइन लिखनी है बेटा, यहां पर लिखो फोर्थ पॉइंट के साथ साथ ये लाइन जरूर लिखो, अ कंपनी मे अफ्रेड ऑफ टेक ओवर, अ कंपनी मे अफ्रेड ऑफ टेक ओवर वुड प्रेफर, अ कंपनी मे अफ्रेड ऑफ टेक ओवर वुड प्रेफर डेट ओवर इक्विटी, डेट DEBT, डेट ओवर इक्विटी। ये डेप्ट नहीं होता, द वर्ड बी साइलेंट, इसको हम डेट बोलते हैं प्यार से, ठीक है जी। ऐसे निकनेम होते हैं ना, वैसे ही है ये, वही वाले निकनेम, याद तो ही गई तुम्हें। लो जी बात याद आई क्या बेटा? अब सुनो बाबू, कल ये लाइन बोली थी ना मैंने बहुत बार, जिन कंपनियों को डर लगता है कि टेक ओवर कोई और ना करके ले जाए, सामने देखना, सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए और बी को एज्यूम करो मुकेश अंबानी और बेटा सी को एज्यूम करो पूरा दुनिया। बेटा 60% कंट्रोल अकेले मुकेश अंबानी के पास है बेटा। अगर उसको डर लगता है कि कोई और टेक ओवर ना करके ले जाए, मुझसे कोई कंपनी छीन के ना चलता बने बेटा, ऐसे केसेस में हमेशा प्रेफर करो डेट ओवर इक्विटी,
डेट की प्रेफरेंस ज्यादा है इक्विटी से पहले। हमेशा कहेगा डेट इशू करो, डेट इशू करो, डेट जितना मर्जी इशू कर लो, कभी आपका कंट्रोल कहीं जाएगा ही नहीं बेटा। कहा था ना डेट बहुत अच्छी चीज है आपको, मैंने कहा था मैं तीन बातें बताऊंगा जो डेट में, ऐसे तीन फीचर हैं जो इक्विटी में कभी नहीं हो सकते, दो याद आ गए होंगे। एक बेटा डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटी, और दूसरा बेटा यही डेट कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, इक्विटी कंट्रोल डाइल्यूट करता है। मैंने कहा था मैं कंपनी के लिए बातें बताऊंगा, इन्वेस्टर के लिए। अब इतनी बात ओके है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं? करें बेटा मैरिट स्टार्ट। किसी की और किसी पॉइंट में प्रॉब्लम, फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्रॉब्लम? चलो वेरी गुड, करते हैं बेटा स्टार्ट मैरिट नंबर 5 से। बाबू पढ़ लो बस, शौक पूरा हो जाएगा, ये तो एक एक लाइन लिखेंगे और मैं इस पॉइंट में लगेगा बेटा टाइम 40 मिनट। कहता है फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी कैपिटल एज द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल। ये क्या बोला है बेटा? बाबू मुझे तो खुद नहीं समझ में आया। लो एक एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे और आप सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। सर ये एग्जाम्पल से मैं क्लेरिफाई करूंगा और मजा आ जाएगा जब ये खत्म होगा बेटा। लो और बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें सीखने को मिलने वाली हैं आपको। बेटा कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस होता था, आपको याद है? याद है आपको बेटा क्या चीज? सबसे पहले डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। शायद ये तो अब सबके दिमाग में पहुंच ही चुका होगा, मैंने बहुत ही बार बोला ये बात। आप सामने देखते रहेंगे मेरी तरफ बेटा, मैंने बोला 40 मिनट तक अभी बुक की जरूरत नहीं है, आप बस सामने देखो। लेकिन आज डिबेंचर पूरा कर दूंगा मैं। बाबू मैं ना दो सिचुएशन ले रहा हूँ, आप बस सामने देखते रहो, मैं दो सिचुएशन ले रहा हूँ, ठीक है ना? एक सिचुएशन में बेटा मैं पैसा ले रहा हूँ डिबेंचर से, और दूसरी सिचुएशन में बेटा मैं पैसा ले रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, ठीक है? और बेटा अगर मैं डिबेंचर से पैसा ले रहा हूँ तो बेटा मैं 10% कॉस्ट पर ले रहा हूँ, यानी कि बेटा मैं डिबेंचर को 10% ब्याज दूंगा। और अगर मैं प्रेफरेंस से पैसा ले रहा हूँ तो वो भी बेटा 10% कॉस्ट पे ले रहा हूँ, यानी कि बेटा अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा तो भी 10% दूंगा। बेटा पैसे की जरूरत मुझे दोनों ही सिचुएशन में 10 लाख रुपए की है, डिबेंचर से भी 10 लाख लूंगा तो प्रेफरेंस से भी 10 ही लाख लूंगा, ठीक है जी? दोनों केस में बेटा सरकार मुझसे टैक्स मांगती है 30%, ठीक है जी? टैक्स 30%, और दोनों केस में बेटा EBIT है 4 लाख। अब यार ये क्या भला होती है EBIT, लगेगा पता धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है ना? प्यारा नाम EBIT। वैसे एक बार अगर डिटेलिंग कर दूं, इसकी फुल फॉर्म बता दूं, तो शायद दिमाग में कुछ चला जाए, ठीक है ना? ऑल दो खैर 12th के बहुत बाद की टर्म आती है ये, 12th में आएगी बहुत बाद में, ठीक है ना? लेकिन फिर भी समझ लो EBIT किसको बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्या कमाया? इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है जी? मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। बाबू देखो मैंने ना दो अलग अलग सिचुएशन ली, बिल्कुल दो अलग अलग सिचुएशन ली, लेकिन मैंने दोनों को बिल्कुल बराबर रखा, बिल्कुल बराबर। है कोई फर्क? अगर एक में 10 लाख लिए तो दूसरे में 10 लाख लिए, अगर एक में 30% टैक्स है तो दूसरे में भी 30% है, एक में EBIT 4 लाख है तो दूसरे में भी EBIT 4 लाख है, एक की कॉस्ट 10% है तो दूसरे की कॉस्ट भी 10% है, ये देख लो। बस एक फर्क है, एक में पैसा डिबेंचर से लिया, दूसरे में प्रेफरेंस से। कोई फर्क है इसके अलावा बता दो? बाद में तो नहीं कहोगे ना कोई फर्क है तो नहीं ना? पक्की बात है ना बेटा, देख लो कोई फर्क तो नहीं? बाबू इसका मतलब अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो दोनों केस में इक्विटी के लिए पैसा बराबर बचना चाहिए। करते हैं सॉल्व, आप सब सामने देखेंगे मेरी तरह, मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है जी? लो बेटा ये वो सिचुएशन है जब मैंने डिबेंचर से पैसा लिया, और ये वो सिचुएशन है जब मैंने प्रेफरेंस से पैसा लिया। दोनों केस में बेटा EBIT 4 लाख। लो प्यारे बच्चों, चलो बाबू चलो, मैंने बेटा लिख दिया दोनों केसेस में बाबू 4 लाख रुपए EBIT। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, सबसे पहले देते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस। लो लिख दो प्यारे बच्चों टैक्सेस फटाफट,
तुम्हें कुछ नहीं यार, कुछ बोलते नहीं यार तुम, कितनी बार रटवा रटवा के थक गया। सबसे पहले क्या देंगे? डिबेंचर का इंटरेस्ट, ठीक है जी, दो इंटरेस्ट दो। सुनो बेटा, मैंने डिबेंचर से पैसे लिए 10 लाख, इंटरेस्ट देना है 10%, 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख। सर इंटरेस्ट कितना देना है मुझे? 1 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? बात समझ में आई बेटा? खुशी प्रेफरेंस में इंटरेस्ट कितना देना है बता फटाफट, क्या कैसे कैलकुलेट करा तूने? किसका? 10 लाख का? प्रेफरेंस में इंटरेस्ट होता ही नहीं। प्रेफरेंस में क्या पे करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। ये तो जान के पूछा मैंने, तो ऐसे ही 1 लाख। लो जी बाबू, बात समझ में आई? परसेंटेज निकाल लोगे ना? मुझे तुम्हारे से बहुत डर लगता है। निकाल लोगे ना परसेंटेज? चलो बाबू आज परसेंटेज निकालना सीखते हैं। आती है ना सीखे परसेंटेज निकालनी तुझे? अच्छा ठीक है, वो आईपीएल वाला हिसाब तो आता है। लो प्यारे बच्चों, बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सामने देख रहे हैं बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, EBIT माइनस इंटरेस्ट, जो रिजल्ट आता है इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? EBT। EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्सेस। सर टैक्स देने से पहले क्या कमाया? लो जी बाबू करो माइनस, 4 लाख में से 1 लाख गए 3 लाख, 4 लाख में से 0 गए 0। लो प्यारे बच्चों, बेटा कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है। सबसे पहले दिया डिबेंचर का इंटरेस्ट, देन गारमेंट के टैक्सेस। लो जी बेटा, टैक्स हम हमेशा हमारी कमाइयों पर देते हैं। हमने क्या कमाया बेटा? टैक्स देने से पहले ये कमाया बेटा, 3 लाख और 4 लाख इसी पे देना है टैक्स बेटा। अपनी अर्निंग का ही तो टैक्स दोगे, जो मैंने कमाया कमाई बेटा, कमाइयों में से तो दूंगा टैक्स बेटा। क्या कमाया मैंने? मैंने कमाया 3 लाख और 4 लाख, दो अलग अलग सिचुएशन में बेटा। हाँ जी टैक्स दो कितना? दोनों केसेस में कितना टैक्स है? 30% बेटा। 3 लाख का 30%, 4 लाख। यार तुमने अगर बोलना नहीं ना मैं अभी बंद कर रहा हूं इसे, ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आता बेटा बढ़ाने का। हाँ जी 3 लाख का 30% 90,000 माइनस कर दिया, 4 लाख का 30% 1,20,000 रुपए माइनस करने हैं। ठीक है जी प्यारे बच्चों, अभी तक देख लो कोई दिक्कत तो नहीं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस। बाबू अब जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलते हैं EAT, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। ठीक है जी, एक बार ये टेबल बोल दो बेटा फटाफट से मेरे साथ साथ। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। ठीक है जी, लो जी प्यारे बच्चों अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस कराओ। बाबू 2,10,000 रुपए और 2,80,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कंपनी में जो पेमेंट बांटने का फिक्स सीक्वेंस है सिर्फ उसी का यूज कर रहा हूं। डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया, गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए, अब देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है जी, हर्ष भाई बताओ फटाफट से डिबेंचर को कितना डिविडेंड दूं? हैं कितना? किसका? 10%। 10 लाख का 10% कितना होता है? हाँ ये ले बता। और यहां पर यहां क्यों देगा डिविडेंड? सर दो अलग अलग सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तूने कहीं प्रेफरेंस से पैसा लिया जो प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा है, तो पहले सही तो बोल रहा था तू। लो जी बेटा कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, और दूसरी सिचुएशन में आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 10 लाख रुपए लिए, 10 लाख का 10% आपको बेटा 1 लाख रुपए डिविडेंड देना है। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? होश उड़ जाएंगे बेटा। जो रिजल्ट आएगा इसे हम प्यार से बोलते हैं EFE। EFE मतलब अर्निंग फॉर द इक्विटी, पैसा जो बच गया वो इक्विटी के लिए तो बच गया बेटा, 3% की पेमेंट कर तो दी। बाबू एक बार ये टेबल जा रहा दोबारा बोल लिया हमने, ठीक है फटाफट से फिर करेंगे से माइनस प्लस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड,
अर्निंग फॉर द इक्विटी। सब चुप रहेंगे, कुछ बोलेगा एक बार। हाँ कुछ बोलियो जो फटाफट से जरा टेबल। तेरी यार जरूरत है वो ना एक फिर मैं कुछ बोल लूंगा बड़ा बुरा लगेगा तुझे। हाँ बोल बोल भाई कुछ। हाँ तो कर ले मेरी कंपनी ज्वाइन, क्या हो गया? अर्निंग फॉर द इक्विटी। चलो जी बेटा, अर्निंग फॉर द इक्विटी कैलकुलेट करा हमने डिबेंचर के केस में आए 2,10,000 और प्रेफरेंस के केस में आए 1,80,000। ठीक है जी। सर सब कुछ बराबर रखा लेकिन इक्विटी के लिए पैसे बराबर नहीं बचे। इक्विटी के लिए पैसे वहां बेटा ज्यादा बचे जहां डिबेंचर से पैसा लिया था। कल भी बात बोली थी बेटा, डिबेंचर में वो गुण है जो इक्विटी में कभी नहीं हो सकते। इक्विटी छोड़ो प्रेफरेंस किसी में भी नहीं हो सकते। अब मैं बताऊंगा बेटा ऐसा पैसा क्यों ज्यादा बचता है। ठीक है ना, लॉजिक बहुत आराम से सुनना क्योंकि लॉजिक समझ आने के बाद डिबेंचर के गुण पता लगेंगे आपको। ठीक है जी, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सर इस पूरे एग्जाम्पल में हर चीज बराबर रखी लेकिन रिजल्ट बराबर नहीं आया। इक्विटी के लिए पैसा वहीं हमेशा ज्यादा बचेगा जहां डिबेंचर से पैसा लिया होगा। ऐसा क्यों? पहले ये देखो बेटा कि पैसा ज्यादा बचा कितना, 30,000 रुपए ज्यादा बचा है ना, देख रहे हो 30,000 ज्यादा बचा। ये पूरे 30,000 रुपए का फर्क टैक्स का है, बहुत आराम से देख लो। या 30,000 टैक्स कम दिया ना इसके कंपैरिजन में, यार यहां 1,20 दिया या 90, 30,000 रुपए टैक्स कम दिया ना, वही तो 30,000 रुपए ज्यादा है। अब ये टैक्स कम क्यों दिया सुनना बेटा। डिबेंचर का इंटरेस्ट एक लौता ऐसा एक्सपेंस है जो टैक्स के डिडक्ट होने से पहले डिडक्ट होता है। एक लौता ऐसा एक्सपेंस है बेटा जो टैक्स के डिडक्ट होने से पहले डिडक्ट होता है। बेटा इंटरेस्ट पहले डिडक्ट हो गया, इसने मेरी अर्निंग को कम कर दिया। देख लो बेटा, इसने मेरी अर्निंग को कम कर दिया इस अर्निंग के कंपैरिजन में। क्योंकि मेरी अर्निंग कम इसलिए मेरे टैक्सेस कम, और क्योंकि मेरे टैक्सेस कम दस माय ओवरऑल अर्निंग राइजेस। रिपीट रिपीट रिपीट, हजम नहीं हुआ दोबारा रिपीट। अंशिका लिखियो मत, अब थप्पड़ खाना तभी लिखियो। लो जी बेटा टोटल अर्निंग में डिफरेंस कितना है बेटा, 30,000 रुपए। टोटल डिफरेंस कितना है, 30,000। ये 30 के 30 का हजार का फर्क कहां पड़ा बेटा, सारा फर्क पड़ा टैक्स में। बेटा ये फर्क पड़ क्यों रहा है, ये 30,000 रुपए टैक्स में फर्क क्यों आ रहा है? सरकार क्या बेटा पार्शियलिटी कर रही है क्या? नहीं बेटा, बाबू डिबेंचर का इंटरेस्ट एक लौता ऐसा एक्सपेंस है बेटा जो टैक्स के डिडक्ट होने से पहले डिडक्ट होता है। ये पहले डिडक्ट हो गया, इसने मेरी अर्निंग कम कर दी बेटा। देख लो प्रेफरेंस के कंपैरिजन में मेरी अर्निंग कम कर दी। जैसे ही मेरी अर्निंग कम करी बेटा मेरे टैक्सेस भी कम हो गए, और मेरे टैक्सेस कम हो गए दस माय ओवरऑल अर्निंग राइजेस। दैट सिंपली मींस अगर मैं कंक्लूजन के तौर पे बोलूं बेटा, डिबेंचर का इंटरेस्ट ना टैक्स सेविंग कराता है। गलत बोल रहा हूं, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ना टैक्स सेव कराकर देता है। क्यों, क्या करता है ये आपकी अर्निंग कम कर देता है। अर्निंग कम हो जाती है टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, यही तो इसके अंदर गुण है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं? सर एनसीईआरटी पढ़े एक लाइन? सर कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसे नहीं कोई कराएगा। मेरे को बहुत शौक है आपको चैंपियन बनाने का, शौक है मुझे इस चीज में। तो बेटा आपसे कोई जीतना नहीं चाहिए, ठीक है जी। बाबू एक बात लिखी गई है एनसीईआरटी में इसी के ऊपर कि मैं बता देता हूं पहले क्या मेरिट लिखी गई है फिर पढ़ता हूं आपके साथ साथ। बाबू डिबेंचर का इंटरेस्ट या डिबेंचर हमेशा सबसे सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू द प्रेफरेंस एज कंपेयर टू द इक्विटी। हमेशा डिबेंचर ही सस्ता पड़ता है। क्यों बेटा? बाबू डिबेंचर का ब्याज क्योंकि टैक्स सेव कराता है, ये लिखा गया। ठीक है जी, अब पढ़ू बेटा, लो आपके साथ साथ पढ़ता हूं मैं बेटा। कहता है बेटा फिफ्थ मेरिट में, फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर इज लेस कॉस्टली। बेटा
डिबेंचर से पैसा लेना बहुत सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और द इक्विटी कैपिटल एज द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल। बाबू इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल, टैक्स डिडक्ट करा देता है, यानी कि टैक्स सेव करा देता है, प्यारी भाषा में बोलूं तो। बात ओके, नोट करो इसको बेटा। बात करेंगे लिमिटेशंस की। लिमिटेशन बेटा लकीली तीन ही है, मैरिट्स पांच थी, ठीक है ना। मैरिट्स पांच में से भी एक आध मुझे मैरिट दिखाई नहीं देती, कल मैंने बात कर दी थी आपके साथ। आज बेटा वही बात लिमिटेशन के फर्स्ट पॉइंट में भी लिखी हुई है, आराम से पढ़ देते हैं। कहता है एज द फिक्स चार्ज इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी फ्लक्चुएट्स। लो प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ। बेटा आपने, आप कोई कंपनी हो, अगेन एग्जांपल बेटा कंपनी ए, ईयर वन आपकी सेल्स है बेटा वही एग्जांपल 100 लाख या बेटा 1 करोड़, और बेटा आपके प्रॉफिट या आपकी अर्निंग है 10%, और बेटा आपने कमाया 10 लाख रुपए। सर आपने एक साल की अर्निंग देखी और डिबेंचर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए बेटा 50 लाख रुपए के, और बेटा ये डिबेंचर 10% डिबेंचर्स है, यानी कि आपको एक साल का ब्याज 5 लाख रुपए दे, ठीक है जी। ईयर टू अगले साल बेटा मान लो कंपनी ग्रोथ स्टेज पे रही और बेटा आपने 1 करोड़ 10 लाख की सेल करी और आपने बेटा कमाया 11 लाख, तो 11 में से 5 लाख देने में क्या दिक्कत है, दे दोगे बेटा। दिक्कत उस साल आएगी जिस साल अर्निंग फ्लक्चुएट करेंगी। मान लो बेटा अगले साल मैंने कमाया बेटा 5 लाख रुपए, 50 लाख की सेल हुई, कमाए 5 लाख, बेटा बिजनेस के हजारों एक्सपेंस, इतनी सैलरी देनी है, इतने इलेक्ट्रिसिटी के बिल देने हैं, टोटली 5 लाख कमाए, क्या बेटा शायद ऐसा हो सकता है मैं डिबेंचर के 5 लाख देना पाऊं। सर कहता है डिबेंचर पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, जिस दिन आपने डिबेंचर इशू कर दिया ना बेटा, दो परमानेंट बर्डन दिमाग पे मंडराने शुरू हो जाएंगे, और दो बर्डन है क्या सुन लो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन द मैच्योरिटी। सर डिबेंचर से पैसे लेने का मतलब पता है क्या होता है, टेंशन शुरू हो गई आपकी, दिन गिनने शुरू कर दो बेटा। डिबेंचर पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, ये बेटा परमानेंट टेंशन है कि इंटरेस्ट एक दिन का भी डिफॉल्ट नहीं कर सकते, रेगुलर इंटरेस्ट देते रहोगे बेटा रेगुलर, और बेटा प्रिंसिपल इसमें भी एक दिन का डिफॉल्ट नहीं कर सकते, प्रिंसिपल भी देना अपॉन मैच्योरिटी। तो बेटा कहता है परेशानी आपको उस साल आती है जिस साल अर्निंग गिरती है, जब तक बढ़ रही है ना तब तक कोई दर्द नहीं होगा, ये बढ़ रही है अरे बहुत अच्छी बात, लेकिन जिस साल गिरेगी ना बेटा उस साल रुला देगी। डिबेंचर सिर्फ एक प्रेशर का नाम है और किसी चीज का नाम नहीं है। क्लियर हुई लिमिटेशन, समझ आई बात, बड़े बेटा आगे चलो जी। बेटा सेकंड लिमिटेशन की चर्चा करेंगे, लेकिन बेटा मैंने कल एक बात बोली थी आज मैं भूल गया, पहले दोनों लिमिटेशन बची हुई आप पढ़ोगे फिर मैं एनालिसिस करूंगा, एक बार आप पढ़ो बेटा। सबसे पहले बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 लिमिटेशन सेकंड की, कहता है इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, पहला मेरा एनालिसिस इसी पे है। कहता है इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, मतलब सर पुराना जमाना ऐसा था जब आपको इररिडीमेबल डिबेंचर इशू करने की परमिशन होती थी। अब मैं बता देता हूँ रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर वो जिनकी रीपेमेंट कंपलसरी है, जिनका प्रिंसिपल अमाउंट देना कंपलसरी है, और इररिडीमेबल वो जिनका प्रिंसिपल अमाउंट देना जरूरी नहीं होता था, बस ब्याज देनी होती थी। सर इंडिया में ऐसे डिबेंचर बैन हुए हुए 25 साल हो गए, लेकिन एनसीईआरटी से आज तक नहीं हटी लाइन। इंडिया में इररिडीमेबल डिबेंचर अब आप इशू नहीं कर सकते, समझ में आया। रिडीमेबल और इररिडीमेबल क्या होता है, इंडिया में तो रिडीमेबल डिबेंचर ही होते हैं जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी होती है और मैक्सिमम 20 साल मिलते हैं आपको, याद आई ना बात बोली हुई है पहले दिन। कहते हैं अब समझ में आ गया बेटा, तो ये तो बात रहे नहीं दो इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, जब हुई रिडीमेबल डिबेंचर इशू सकते हैं इंडिया में, ठीक है ना। इररिडीमेबल डिबेंचर का कोई स्कोप नहीं है, 25 साल पुरानी बात है, ठीक है ना, मेरे टाइम से यही लाइन लिखी हुई है, 11 साल पहले मैंने पेपर दिए थे तब भी ये लाइन एज इट इज थी और आज भी है और अगले 25 साल तक और रहेगी। चलो जी अब आपके बच्चे बढ़ रहे होंगे। कहता है इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर
द कंपनी हैज टू मेक प्रोविजन फॉर रीपेमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। लो प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ आप सब। सर आज 1 अप्रैल 2021 है और आप एक कंपनी, आपने आज 1000 करोड़ के डिबेंचर रेस करे, 10% डिबेंचर्स, 10 नहीं करते बेटा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 9% डिबेंचर्स 1000 करोड़ के, ठीक है। और बेटा ये आपने 20 साल के लिए पैसे लिए डिबेंचर से, डिबेंचर इशू करे 1000 करोड़ के, 20 साल के लिए पैसे ले लिए, ठीक है बाबू। कंपनी ना बहुत अच्छे से जानती है कि कंपनी को क्या करना है, 9% तो ब्याज देना है, 90 करोड़ तो ब्याज देना है हर साल, ठीक है, और 20 साल के बाद 1000 करोड़ रुपए देने। कंपनी को ना बहुत अच्छे से पता है कि अगर 20 साल तक मैंने इंतजार किया और 20वें साल में सोचूं कि मेरे पास 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा और एकदम से दे के मारूंगा, तो बेटा होगा नहीं। कंपनी बहुत अच्छे जानती है कोई ऐसा साल नहीं आएगा जिसमें 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। कंपनी ने पहले दिन ही सोच लिया कि मैं क्या करूंगी, मैं प्रोविजन बनाऊंगी, और प्रोविजन कैसे बनाऊंगी सुनना। कंपनी ने सोचा प्रोविजन का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म में मैं बता देता हूं, प्रोविजन मतलब होता है बेटा अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करना फॉर द नॉन लायबिलिटी, ठीक है ना। जब आप अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को अलग निकाल के रख लेते हो, क्यों बेटा, क्योंकि आप जानते हो यह लायबिलिटी आपकी है, फॉर द नॉन लायबिलिटी, पता है ना बेटा लायबिलिटी आने वाली है 20 साल के बाद 1000 करोड़ देने पड़ेंगे। तो कंपनी ने क्या करा सुनना, कंपनी ने सोचा 1000 करोड़ 20 साल में देने हैं, क्यों ना 50-50 करोड़ मैं हर साल अलग रखती जाऊं। पहले साल 50 करोड़ अलग रख लूंगी, दूसरे साल 50 करोड़ अलग रख लूंगी, 20 साल तक रखती जाऊंगी, 1000 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, एकदम दे देंगे। एकदम 1000 करोड़ नहीं निकलेंगे, लेकिन क्या प्रोविजन बनाने से निकल सकते हैं, कंपनी ने कहा यह बहुत अच्छा तरीका है, तो हम क्या करेंगे प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन बेटा सारी बात सही है, फिर लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन पता है क्या है, कहता है पहले साल आपका प्रॉफिट हुआ 200 करोड़। सर क्या दिक्कत है, 200 करोड़ में से 90 करोड़ दे दी ब्याज, कितना बच गया 110 करोड़, 50 करोड़ कर दिया साइड, 60 करोड़ से घर से चला लो, कोई दिक्कत तो नहीं। सर दिक्कत पता है क्या है, प्रॉफिट हुआ 110 करोड़ अगले साल, 90 करोड़ दे दी ब्याज, पैसे बचे 20 करोड़, 50 करोड़ कहां से लाओगे, जो सेट असाइड करने हैं वो अमाउंट बची। पता है क्या लिखी थी लिमिटेशन, कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर के केस में प्रोविजन बनाती है ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। दिक्कत तब अराइज होती है प्रोविजन बनाने में जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी के दिन आते हैं कंपनी के ऊपर। आई होप बिल्कुल क्लियर किया होगा मैंने एग्जाम्पल से, क्लियर है ना सर। टाइम जरूर लग रहा है लेकिन ये मान के चलना यहां जा रहा है सीधा, रट कुछ नहीं रहे हो आप, मैं रटने वाला काम ही नहीं कर रहा हूं। ऑल ओके, समझ आई बात सारी, नोट करना है एग्जाम्पल, जल्दी से नोट करना। लो जी प्यारे बच्चों, बाबू लास्ट लिमिटेशन के पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। कहता है बेटा ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी विद द इशू ऑफ डिबेंचर द कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी टू फर्दर बोरो फंड्स रिड्यूसेस। लो जी अगेन एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो। बाबू मैंने एक दिन एक बात बोली थी आपको कि आप बेटा बैंक से लोन लेने जाते हो, बेटा बैंक क्या करता है आपसे, सबसे पहले डिमांड एसेट बताओ जी, क्या गिरवी रखोगे, क्योंकि बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योर्ड लोन करता है। सिक्योर्ड लोन मतलब कोई ना कोई सिक्योरिटी गिरवी होती है तभी बेटा लोन होता है, ठीक है। और आपको याद है बेटा मैंने ये बात बोली थी, डिबेंचर भी ऐसे लोन नहीं करते, डिबेंचर वाले भी तब तक पैसे नहीं देते जब तक आप उनके फेवर में सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखते, तभी तो मैंने लिखा था डिबेंचर स्लैश बैंक लोन, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी बात है। अगर इसके लिए सिक्योरिटी गिरवी होती है तो इसके लिए भी सिक्योरिटी गिरवी होती है, याद आई ना ये बात। दूसरी बात बेटा, बैंक क्या आपको आपकी सिक्योरिटी के बराबर लोन दे देता है, मेरी सिक्योरिटी 50 लाख है, 50 लाख का लोन दे देगा बैंक, नहीं बेटा, बताया था 25% मार्जिन छोड़ के लोन देता है। सर ये तो बात याद होनी चाहिए आपको,
ठीक है ना, 25% मार्जिन छोड़ता है ना, यानी कि अगर 50 लाख रुपए की सिक्योरिटी गिरवी रखूंगा तो 37.5 लाख का ही लोन होगा। बैंक ने 12.5 लाख क्यों छोड़ दिए, ताकि सिक्योरिटी में अगर कभी अप डाउन हो तो बैंक को टेंशन ना हो, ठीक है ना। अब सुनना बाबू, हुआ क्या, आपकी कंपनी के पास, मैं बोलता हूं, एसेट्स हैं बेटा 100 करोड़ की, ठीक है, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं 100 करोड़ की, दैट मींस कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है, मुझे ये बता दो, कितना लोन मिल सकता है मैक्सिमम? 75 करोड़। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा इस बात में? अगर कंपनी के पास 100 करोड़ की एसेट है तो कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है, लोन लेने की कैपेसिटी 75 करोड़ है ना बेटा। क्यों? क्योंकि 25% मार्जिन काटेगा, चाहे डिबेंचर होल्डर के पास चले जाओ चाहे बेटा बैंक के पास चले जाओ, एक जैसी बात। कहता है जैसे ही आप डिबेंचर से पैसे लेते हो आपकी कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी गिर जाती है, लिमिटेशन ये कहती है, तो गलत थोड़ी कह रही है बेटा। आप सोचो, मैंने डिबेंचर से पैसे लेने हैं, मान लो कुछ भी समझ लो एक्स वाई जेड अमाउंट, मान लो बेटा मैं बोलता हूं एग्जाम्पल के तौर पर 37.5 करोड़, मैंने डिबेंचर से पैसे लेने 37.5 करोड़ रुपए, सर ऐसे ही दे देते हैं डिबेंचर वाले पैसे, क्या करना पड़ता है बेटा, मुझे सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। मैंने बेटा 37.5 करोड़ रुपए की डिमांड करी, जैसे ही मैंने 37.5 करोड़ रुपए रेस करे, दैट मींस मैंने 50 करोड़ की एसेट गिरवी रखी होंगी, ऐसे थोड़ी मिल गए होंगे बेटा 37.5 करोड़। 50 करोड़ की एसेट रखोगे, 25% मार्जिन छोड़ दो, 37.5 करोड़ मिल गए बेटा। जैसे ही मैंने डिबेंचर इशू करे, मेरे पास फिक्स एसेट्स बची कितनी बेटा, 50 करोड़, यानी कि मेरी बोरोइंग कैपेसिटी बची कितनी बेटा, 37.5 करोड़। अब सुनना मैंने क्या वो लिखा। कहता है हर कंपनी की एक सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी है, हर कंपनी की बोरो करने की कैपेसिटी होती है, और मैं कहता हूं बोरो करने की कैपेसिटी दैट मींस इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द फिक्स्ड एसेट्स। हर कंपनी की बोरो करने की कैपेसिटी होती है ना, और मैं कहता हूं बोरो करने की कैपेसिटी हमेशा रिलेट करेगी फिक्स्ड एसेट्स से, जितनी ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स उतनी ज्यादा बोरो करने की कैपेसिटी। कहता है हर कंपनी की बोरो करने की कैपेसिटी है, बेटा मैंने देखा मेरी फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 100 करोड़ है, यानी कि मेरी बोरो करने की कैपेसिटी कितनी है बेटा, 75 करोड़ है। कहता है अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए तो आपकी बोरो करने की कैपेसिटी गिर जाएगी। पहले मेरे बोरो करने की कैपेसिटी 75 करोड़ थी, गिर गई कि नहीं गिर गई बेटा? क्यों गिर गई? क्योंकि बेटा डिबेंचर इशू करने का इनडायरेक्टली मतलब है फिक्स्ड एसेट्स को गिरवी रखना, और अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को गिरवी रख दिया है तो मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स बची कितनी है बेटा, 50 करोड़, तो मेरे बोरो करने की कैपेसिटी गिर तो गई। क्लियर हुई बात बाबू आपको ये बात? ठीक है ना बाबू, हमेशा ध्यान रख लेना। अभी ये हो सकता है क्योंकि मैंने अमाउंट एक जैसी ले ली तो आपको थोड़ा सा तंग कर रही हूं, ठीक है ना, अमाउंट आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो बेटा आपको 7.5 करोड़ रुपए की जरूरत थी, 7.5 करोड़ की जरूरत थी बेटा, डिबेंचर होल्डर ऐसे नहीं देते, वो कहते बताओ क्या एसेट गिरवी रखोगे, मैंने बेटा 10 करोड़ की एसेट गिरवी रख दी, 10 करोड़ की रखूंगा तभी तो 25% काट के 7.5 करोड़ देंगे बेटा। मेरे पास एसेट कितनी बची अब, 90 करोड़, दैट मींस मेरी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है बेटा, 25% काट दो, यानी कि 75% बोरो कैपेसिटी हो सकती है। कहता है हर कंपनी की एक बोरोइंग कैपेसिटी है, बोरोइंग कैपेसिटी इज रिलेटेड विद द फिक्स्ड एसेट्स। 100 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स है तो मेरी कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी है 75 करोड़, छाती चौड़ी करके कह दो कि मेरी कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी है 75 करोड़। कहता है लेकिन जैसे ही आप डिबेंचर इशू करोगे आपकी कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी जरूर गिरेगी, और क्यों गिरेगी पता है ना बेटा, डिबेंचर इशू करने का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स गिरवी रखना, और जैसे ही फिक्स्ड एसेट्स गिरवी हो गई आपकी ऑटोमेटिकली बोरोइंग कैपेसिटी गिर गई। क्लियर ना बात? ऑल ओके, डिबेंचर फिनिश, अभी भी पढ़ लो दोबारा ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। हाँ जी सर, सर डिबेंचर होल्डर की एक कमेटी बनती है उसके नाम गिरवी रखे जाते हैं। हाँ जी, और कुछ एक बार रीड करके बताओ, मैं यहीं खड़ा हूं अभी। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।